हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू डार्कनेस राइजेस वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं बेस्ट बिल्ड फॉर हॉल ऑफ पावर बताने वाला हूँ कि हॉल ऑफ पावर में जाने के लिए कौन सा बिल्ड सबसे बेस्ट है और किससे सबसे ज़्यादा यहाँ पे पावर मिलेगा, और यहाँ पे जो मैजिसाइट है वो कौन सा बेस्ट है, और पेट में कौन सा बेस्ट है, और ट्रेड्स वगैरह यही सब। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना रैंक दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पर आई थिंक 137 मिलियन तक है, बट इससे ज़्यादा और हो सकता था। फिलहाल अभी तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि पावर इंक्रीज़ हो जाए इससे ज़्यादा फिलहाल। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से गियर से देखेंगे हम लोग। गियर में भी मेरे पास लूंडेल्स और लूंडेल का सेट है, जो कि मैक्स भी है, और सिर्फ एक ये आर्मर बचा हुआ है, तो इसको यहाँ पे उतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे लुंडेल सेट से पावर उतना इंक्रीज़ नहीं करेगा। सो इसलिए हम लोग एक नॉर्मल पीवी गियर यूज़ करेंगे, पीवी अल्टीमेट, जिससे कि 50% एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाएगा डिफेंस, सॉरी एचपी। तो ये हो गया, और जिससे पावर अब देखें कितना ज़्यादा इंक्रीज होता है, 160 मिलियन हो गया 40 से, यानी कि 2 मिलियन पावर एक्स्ट्रा मिलता है इससे। और जो कैप और बेल्ट है उसमें हम लोग अल्टीमेट यूज़ कर सकते हैं हॉल ऑफ पावर में जाने के लिए, क्योंकि यही बेस्ट बिल्ड है, 2 अल्टीमेट और 2 पीवी अल्टीमेट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास अभी है नहीं +15 का कैप में, और सिर्फ बेल्ट में ही है, इस कारण मैं इसका यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे लुंडेल में है +15 कैप और बेल्ट में, दोनों में, तो इस वजह से उसका भी यूज़ करना सही रहेगा, आई थिंक ज़्यादा ही पावर देगा। और बिकॉज़ यहाँ पे अटैक यहाँ पे अल्टीमेट में ज़्यादा 10% मिल जा रहा है, तो इस वजह से अटैक यही अल्टीमेट बेस्ट है, बट फिलहाल मुझे लुंडेल यूज़ करना होगा। सो इसके इसलिए हम लोग लुंडेल यूज़ करेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास तो है नहीं। तो ये लुंडेल हो गया, और अब जो है वो है एसेसरीज़ में, और एसेसरीज़ में भी सब मैक्स होना चाहिए, 1180 और +15 तक रिफाइंड। तो यहाँ पे मेरा ये मैक्स है, और इसका तो मैंने ये लेवल 74 तक, तो इसको इससे मतलब नहीं, क्योंकि इसको इसके साथ चेंज कर देंगे। तो ये +15 तक रिफाइन है, ये भी +15 हो गया, और ये भी +15 हो गया। अब एक ईयरिंग बचा, तो ईयरिंग को भी यहाँ पे मेरे पास है, और जिससे कि मैं पीवीपी अटैक भी यहाँ पे मिल जा रहा है, जिसकी वजह से पावर मेरा 121 मिलियन हो गया, 121 मिलियन। और यहाँ पे पीवीपी में पीवीपी के जो एसेसरीज है उसमें ज़्यादा एचपी रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे किया है, 3 पीपी लिया है, 2 पीवी, और यहाँ पे 3 पीपी जो है वो मेरा मैक्स है +15 तक, और ये भी मैक्स है +15 तक ही। और उसके बाद फिर जो आता है, उसके बाद यहाँ पे आता है गिल्डेड सेट, जो कि मेरे पास गिल्डेड सेट ऑलरेडी इक्विप है, और गिल्डेड सेट से 15% एक्स्ट्रा अटैक मिल जाएगा, तो ये एक अच्छा बात है, इसकी वजह से पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है नॉर्मल कॉस्ट्यूम के मुकाबले। और यहाँ पे फिर आता है पेट, पेट में भी एक बार देख लेते हैं कौन सा पेट सबसे बेस्ट है, और फिलहाल तो सबसे बेस्ट पेट यही है, बट इसका मेरे पास है नहीं। और इसका ट्रेड्स में अगर अटैक और डिफेंस मिल जाए 9% से ज़्यादा, तब तो पावर से आई थिंक 7 मिलियन तक, तो 6.5 मिलियन तक तो आराम से चल जाएगा, बट मेरे पास ये अभी पेट है नहीं। ओके, तो उसके बदले ये पेट है मेरे पास, एस्टर बनी, और जिसमें मुझे डिफेंस मिल रहा है 7% और अटैक मिल रहा है 9.3%। सो आई नो कि डिफेंस यहाँ पे कम है, बट यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा, और ये टोटल पावर 6.3 मिलियन तक दे रहा है, जो कि सही भी है, लेकिन यहाँ पे 7 मिलियन तक आराम से पेट का भी पावर मिल सकता है, बट यहाँ पे फिलहाल अभी मेरे पास है नहीं इस वजह से। और आई थिंक मैं इस साइड में ऑटो इक्यू बता रहा, तो कुछ ज़्यादा होगा। ओके, तो मैजिसाइट का जो ट्रेड्स है वो यहाँ पे ज़्यादा मायने लगता है, जो कि यहाँ पे दे रहा है मुझे पीवी डिफेंस इंक्रीज़, जो कि 2.5%, जिससे पावर भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और यहाँ पे पीवी अटैक दे रहा है, जो कि सबसे पावर ज़्यादा इंक्रीज़ होता है इसमें पीवी अटैक, अगर 2-2% तक रहता है तो और भी ज़्यादा पावर इंक्रीज़ हो सकता था, आई थिंक 400 के एक्स्ट्रा तक, और इसमें भी पीवी डिफेंस इंक्रीज 2% तो सही है, और इसमें 1.8% है, और इसमें भी 2.3%, आई थिंक मैक्स पेट भी हो गया।
पेस जो है वो भी मैक्स होना चाहिए हॉल ऑफ पावर में जाने के लिए। तो यहाँ पे अवेकनिंग लेवल मैक्स है, अवेकनिंग ट्रांसफ़र भी मैक्स है, तो ये सब मैक्स होना चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो ट्रेड्स का आता है गाइस, वो ट्रेड से भी बहुत ज़्यादा पावर मिलता है, 500K से ज़्यादा ही पावर मिलता है ट्रेड्स चेंज करने पर यहाँ पे। लेकिन अभी मैं ट्रेड चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो मुझे उतना कुछ ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे अगर ट्रेड्स को देखें तो अटैक यहाँ पे अगर मिल जाता 4 टाइम तो बहुत ज़्यादा पावर इंक्रीज़ होता है, आई थिंक 300K तो इंक्रीज़ हो ही जाता। तो ये हो गया ऑप्शन। और यहाँ पे डिफेंस HP ये भी सही है, HP डिफेंस ये सही है, बट इसमें क्रिट डैमेज के अलावा यहाँ पे डिफेंस HP रखना होगा। और इसमें भी PV अटैक और डिफेंस की जगह डिफेंस HP रखना होगा क्योंकि डिफेंस और HP ज़्यादा पावर देते हैं इस वजह से। और इसमें भी यहाँ पे अटैक या और यहाँ पे अटैक के साथ डिफेंस या HP का पावर, तो ये यहाँ पे ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मिलता है पावर इस वजह से। और ये भी इसमें भी क्रिट डैमेज के क्रिट एक्टिवेशन की जगह डिफेंस HP या अटैक, ये तीन यहाँ पे ट्रेड चेंज करना होगा गियर का। बट अभी मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो मैं हॉल ऑफ पावर के लिए अभी आगे नहीं बढ़ सकता, इस वजह से मुझे अभी चेंज भी नहीं करना। अगर चेंज करेंगे तो क्रिएट के जो ट्रेड टिकट वो फिर से ज़्यादा लगेगा, यूज़ करना पड़ेगा फिर से रिकवर करने के लिए इस वजह से। तो फिलहाल मैंने बता दिया कि इस बार ट्रेड चेंज करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे क्योंकि इससे ज़्यादा पावर मिलेगा इस वजह से। ओके अब चलते सुपीरियर बफ की तरफ। सुपीरियर बफ से यहाँ पे 4 मिलियन तक आई थिंक पावर मिल जाएगा, तो देखते हैं कितना पावर मिलता है सुपीरियर बफ से। कि सुपीरियर बफ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके फर्स्ट टाइम में ही मिल गया, सही है, चलो सही है। बस अब थोड़ा वेट और उसके बाद फिर पावर देखते हैं अपना कितना होता है। थ्री पॉइंट नाइन मिलियन अप्रॉक्स 4 मिलियन तक है। ओके और 130 मिलियन यहाँ पे मेरा पावर हो चुका है। ओके 130 मिलियन यहाँ पे मेरा पावर जो है वो हो चुका है। ओके अब यहाँ पे ये बफ वगैरह गिल्ड बफ ये सब भी लेना इम्पोर्टेंट है, और ये सब भी लेना इम्पोर्टेंट है गाइस। ओके गिल्ड बफ में तो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है गिल्ड बफ जो कि गिल्ड रेड्स खेलने से मिलता है, और वो आई थिंक मेरे पास अभी होगा। लेवल 4 का अटैक है और लेवल 2 का डिफेंस है, डिफेंस लो है आई थिंक 5 तक होना चाहिए डिफेंस, और लेवल 5 का HP बफ है। अगर लेवल 4 से 5 तक रहे तो सही है, बट यहाँ पे मेरे पास है नहीं अभी उतना, तो जिसकी वजह से पावर उतना इंक्रीज़ नहीं हो पाया। बट यहाँ पे 130 मिलियन तक हो गया, 140 मिलियन था मेरा और 110 मिलियन मेरा ओरिजिनल रहता है, बट हॉल ऑफ पावर में जाने के लिए यहाँ पे 130 मिलियन तो एटलीस्ट हो गया। और अभी मेरा जो पावर है 137 मिलियन है, जो कि वो भी यहाँ पे जो HP एक बार वो भी उस वक्त किया था मैंने जब यहाँ पे जो लास्ट अप सॉरी पिछले अपडेट में जो पावर इंक्रीज़ कर दिया था जिसकी वजह से फिर से नॉर्मल कर दिया था इस वजह से। और यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है 151 मिलियन है और 137 मिलियन मेरा है, तो अभी मेरा पावर 130 मिलियन तक जा रहा है, बट 132 मिलियन तक आराम से जा सकता है, बट उसके लिए अभी मेरे पास ट्रेड्स में जो 5% है वो अभी नहीं है इस वजह से। सो यही एक तरीका है हॉल ऑफ पावर का बेस बिल्ड और पेट वगैरह में ट्रेड्स, बस यही एक तरीका है हॉल ऑफ पावर में जाने के लिए। और यहाँ पे गियर अगर रैंक 10 तक रैंक अगर रैंक 100 तक में जाना है तो उसके लिए पावर आई थिंक 120 मिलियन प्लस चाहिए, मे बी चेक करते एक बार। ओके यहाँ पे और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, अगर रैंक 10 पे जाना रैंक 100 पे जाना है तो 127 मिलियन है, जो कि यहाँ पे जो गलती से जो नेक्स्टन ने पावर इंक्रीज कर दिया था इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबका हाई पावर हो गया है। और यही है
हॉल ऑफ पावर में जाने के लिए बेस्ट बिल्ड जो कि 2 PV है नॉर्मल, और 2 यहाँ पे अगर अल्टीमेट रहता तो और भी ज़्यादा पावर मिलता है। आई थिंक 1.5 मिलियन तक एक्स्ट्रा पावर मिल सकता था शायद, क्योंकि मैं तो अभी इतना देखा नहीं है, तो अभी इसको मैक्स करेंगे तब यहाँ पे देखूँगा मैं कि कितना पावर देता है। बट जितना भी देगा इससे तो ज़्यादा ही पावर देगा, और ये PvP के लिए भी अच्छा है। 2 अल्टीमेट, 3 PvP और 2 अल्टीमेट का भी कॉम्बिनेशन PvP के लिए अच्छा है, तो मैंने वही यूज़ किया हुआ अपना यहाँ पे, वही यूज़ करता हूँ मैं। और तो यही था ये हॉल ऑफ पावर के लिए बेस्ट बिल्ड, और बाकी सुपीरियर बफ वगैरह टोटल 12 बफ होते हैं यहाँ पर, टोटल 12 बफ। और अगर एस्टर बनी में मेरा यहाँ पे 10% तक डिफेंस रहता है या फिर 9% तक भी रहता है ना, तो और भी ज़्यादा पावर यहाँ पे मिल सकता था। बट मैं ट्राई करूँगा फ्यूचर में, अगर रैंक वन पे जाने का हुआ तो तब यहाँ पे 10% का मैं यहाँ लेने का सोचूंगा। सो गाइस आज के वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको एक और नए डार्कनेस स्ट्रेटजीज की वीडियो में। सी यू सून गाइस।